दो दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, राजधानी वारसाव में हुआ शानदार स्वागत। 45 साल बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला पोलैंड दौरा है, देर रात भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। पोलैंड के बाद 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी मुलाकात, रूस युद्ध पर बात। जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी, कल 500 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी बात। कानपुर में भी सड़कों पर उतरे दलित संगठन और बीएसपी के कार्यकर्ता, भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती। जयपुर में आरक्षण बचाव संघर्ष समिति ने किया भारत बंद का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट से फैसला वापस लेने की मांग। नागपुर में भारत बंद का मिला जुला असर दिखा, दलित इलाकों में दुकानें बंद लेकिन कई इलाकों में बाजार खुले दिखे। महाराष्ट्र के बारामती में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में सभी दुकानें बंद कर निकाला गया मार्च, हजारों दलित हुए शामिल। भारत बंद को लेकर केंद्र पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का हमला, कहा मोदी राज में दलितों को बांटा जा रहा है, नहीं होनी चाहिए क्रीमी लेयर की बात। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा तेजस्वी बाबू आरक्षण पर क्या बोलते हैं, आरक्षण का एकमात्र लाभ आपके परिवार को मिलता है। बदलापुर यौन शोषण कांड के खिलाफ मुंबई में मंत्रालय के सामने कांग्रेसी नेताओं का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं के साथ विजय वडेट्टीवार और सांसद वर्षा गायकवाड़ शामिल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर निशाना, कहा राजनीति से प्रेरित है ये विरोध प्रदर्शन, घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। बदलापुर मामले में अब तक 300 एफआईआर दर्ज, 40 से ज्यादा गिरफ्तारी, कल्याण में वकीलों के आरोपी अक्षय शिंदे का केस नहीं लड़ने का फैसला। महिलाओं और बच्चियों से हैवानियत पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा पश्चिम बंगाल यूपी बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध, क्या अब एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए करना होगा आंदोलन। कोलकाता कांड के खिलाफ डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, आरजी कर अस्पताल के करीब 250 डॉक्टर्स का स्वास्थ्य भवन तक विरोध मार्च। बंगाल के सिलीगुड़ी में कोलकाता कांड के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, आरोपी को जल्द सजा की मांग। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस की आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा बंगाल में हालात ठीक नहीं, ममता राज में अपराधियों को मिल रहा है संरक्षण, पुलिस भी है उनके साथ। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने आज तक से कहा बंगाल में नहीं बचा लोकतंत्र, वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर की सीएम योगी की तारीफ, कहा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार ने न राम भक्ति और न ही राष्ट्रभक्ति से किया समझौता। सीएम आवास पर यूपी सरकार, संगठन और आरएसएस की बैठक, मुख्यमंत्री दोनों डेप्यूटी सीएम के अलावा संघ नेता अरुण कुमार भी हुए शामिल। झारखंड के मंत्री और जेएमएम नेता चंपाई सोरेन बनाएंगे अपनी अलग पार्टी, दिल्ली से लौटकर सरायकेला में समर्थकों से की अलग संगठन खड़ा करने की घोषणा। दिल्ली में एमसीडी निगम सदन की बैठक में विपक्षी बीजेपी पार्षदों का मेयर के खिलाफ प्रदर्शन, तख्तियां लेकर जताया अपना विरोध। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से जुलाई के बाद 28 बच्चों की हो गई है मौत, पटेल सरकार ने दी जानकारी, सभी की उम्र 14 साल से कम।